सो हे गाइस दिस सेल्प एंड आपको पता ही होगा ये वीडियो किस बारे में क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ मतलब इस टॉपिक पे एंड दोज डोंट नो मी मैं माई सेल्प कुलकित जिसके 2022 में 259 मार्क्स थे एंड इन नाउ इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री माई एम बी बी एस इन वर्धमान माइवीर मेडिकल कॉलेज न्यू डेली सो बच्चे मतलब सौ में से लगभग नब्बे परसेंट क्वेश्चन ऐसे ही होते कि कैसे भाई ऐसा क्या ही कर लिया तूने क्या पढ़ा था तूने किससे पढ़ा था देख क्या कर लिया एक क्वेश्चन एन अच्छे से की अब वो अच्छा कैसे किया जाता है ठीक है फिर बच्चों को लगता है कि नहीं यार ये क्या बात हुई है एन सी आर टी एन सी आर टी हर कोई बोलता है तुम कुछ अलग बोला ना, कुछ मसालेदार चाहिए उनको कुछ ऐसा चाहिए जिसको मतलब उन्होंने कभी सुना नहीं हो ऐसा कुछ मतलब कुछ अलग ही बता दूँ मैं लेकिन नहीं यार एन सी आर टी जो हर एक टॉपर भी बोलता है एंड मैं भी आज मैं प्रूफ के साथ आया हूँ ठीक है थीए? आज मैं अपनी बात को वैलीडेट करूँगा मैंने पहले बताया मैं एन पढ़ता था हर चीज़ की पढ़ता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ठीक है आज की जैसे आप पिछली वीडियो से बैकवर जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा जैसे मैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बना रहा हूँ तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है फिजिकल के इनऑर्गेनिक नॉ ऑर्गेनिक फिजिकल की पहले मैंने बता दी स्ट्रेटजी जो मेरी थी मैं फॉलो करता था अब आज मैं वैलिडेट कर रहा हूँ कि हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में सारे क्वेश्चन एन सी आर टी से आए हैं बिल्कुल और कुछ कुछ तो बिल्कुल डिटो एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो गए बैक बैकअप बिल्कुल डिटो ठीक है आज मैं वैलीडेट करूँगा ये पॉइंट एंड सेकंड मतलब इससे बाद ऐसे ही इनऑर्गेनिक की स्ट्रेटेजी फिर वेलीडेट करूँगा अपने पॉइंट को ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में भी आए हैं हाँ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं एंड केमिस्ट्री या फिर कोई भी उसमें जो बाहर से हो एक सिंगल नहीं है भाई ठीक है एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में भी यही होगा चाहे एन एम सी कंडक्ट करे कोई भी कंडक्ट करे एन टी ए कंडक्ट कर रही है एन एम सी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर आएगा एन सी आर टी से ठीक है सो so, अब आई वगैरह के सोच रहे थे आई जैसे आजकल यूट्यूबर्स आईपैड से करते हैं बट फाइनेंशियली इतनी सही नहीं है हमारी तो आई तो सोचना नहीं है सो ये तो बिल्कुल पिपी टिपे वॉइस ओवर कर रखा है तो देख लो इसके बाद शुरू हो जाएगी वो एंड यार शेयर करो मतलब पता है बच्चों को नॉलेज नहीं है यार हम कहो क्या पढ़ी कन्फ्यूज़न में जीते हैं वो देख क्या करेंगे चैप्टर हैं इतने सारे एक चैप्टर इससे कर लिया नहीं यार इसमें तो है ही नहीं क्या पता मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है क्या पता मैं इससे पढ़ लूँ मेरा सिलेक्शन ना यार पढ़ तो सही तू कम से कम पढ़ एक बार क्यों नहीं होगा सिलेक्शन बच्चे सिलेक्शन के पीछे दौड़ रहे हैं किसी को ये नहीं पता मेहनत करनी पड़ती है सबको लग रहा है एक चैप्टर पढ़ लिया फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउट कम हो जाएगा कि नहीं यार मैं कर लेता हूँ क्या पता मेरा सिलेक्शन नहीं हो फिर पूछेंगे इस दिस इनफ भाई इतने मैसेज आते हैं ना इस एन सी आर टी इनअफ सब का सोल्यूशन है देख लो आगे भाई इनफ है या नहीं है तुम डिसाइड करो तुम्हारे नीट में सिलेक्शन होगा तब बता देना तुम्हें इनफ लगी या नहीं लगी ठीक है शेयर करो यार मतलब लोगों को पता तो आना चाहिए ना कि हम जो डील कर रहे हैं हम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में जो पेपर देंगे वो कैसे पढ़े यार देख एक होता है तुम हज़ारों चीज़ों पढ़ दे जिसके सात सौ बीस आ रहे हैं सात सौ आ रहे हैं ना उनको तो यार बहुत नॉलेज होते वो तो बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन पता है मैं उनमें से नहीं हूँ मैं मेरे ना कभी सात सौ है ना कभी मेरे सात सौ छः सौ अस्सी भी कभी नहीं है मेरे ठीक है मैं हूँ ढाई सौ वाला बंदा मैं छा सात पे कैसे पूछा ये बात है जनता कहाँ पे है मतलब इक्कीस लाख में बच्चे कहाँ पे हैं बच्चे ढाई सौ तीन सौ चार सौ उनके लिए वीडियो ये यार मेरी ऑडियंस में टॉपर तो आई डोंट थिंक कोई होगा है तो अच्छी बात है बट मैं यार उन लेवल का बंदा ही नहीं हूँ मैं हूँ तुम जैसा जो दो सौ ढाई सौ पे अटके मैं उन जैसा बंदा हूँ मैं ठीक है मेरे को उनको इंप्रोमेंट करवानी है मुझे कोई मतलब नहीं है किसके सात सौ बीस आ रहे मुझे मतलब है तुमसे तुम्हारे दो सौ आ रहे मैं चाहता हूँ तुम्हारे छः सौ साठ आए ठीक है ठीके? कैसे आएंगे एन सी आर टी जितने भी बंदे हैं तुम जानते हो यार पता करो ठीक है उनको बताओ कि नहीं एन सी आर टी इनअ होती हैं बाहर के चक्करों में मत पढ़ो इतने हज़ारों चीज़ें हैं यार करने को चक्करों में मत पढ़ो एन सी आर टी देखो तो सर यार एक बार बस ज़्यादा मैं कहता नहीं हूँ देख लियो बाद में यार इसके बाद शुरू हो जाएगी वीडियो तो वेल स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्शन क्या नाम है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी और रीजन इसका मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी जो चाहिए उसको थ्रेसोल्ड एनर्जी कहते हैं ठीक है तो देखो अजरसन तो अगर किसी ने एन अच्छे से पढ़ी है तो देखो पहले डायग्राम में देख लो या सेकेंड डायग्राम में देख लो एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ठीक है जीरो नहीं हो सकती वो कभी कैटलिस्ट लगा दिए तो देखो सेकंड में वो कम हो गई बट जीरो नहीं हुई तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और सेकंड थ्रेशल्ड वाली तो होती है सही वो एन में भी लिख रखा है तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अब देखो सेकेंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बता रखे हैं इसमें और इसमें से बताने की क्या बताना है इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स और रिपल्सन और अट्रैक्शन किस में चाहिए अब देखो ये जो तो ऊपर लिख रखा है ना ये किस चीज़ की डेफिनेशन ये वंडर वर्ल्ड फोर्स की डेफिनेशन देखो एट्रेक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नॉन एज वंडर वर्ल्ड फोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ वगैरह वगैरह अब काम की बात कहाँ से शुरू है ये देखो कौन कौन इंक्लूड होता है इसमें डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एंड देखो नीचे लिख रखा है कि हाइड्रोजन बोर्डिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रॉ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये क्लियर होगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे ठीक है ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर नेक्स्ट है कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन का दे दिया मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये और बी कॉन्स्टेंट है अब देखो अगर ये ऐसा होगा ठीक ही होगा अगर नहीं भी है तो ठीक बिल्कुल देखा एन सी आर टी में फोर पॉइंट सिक्स बैक एक्सरसाइज में दे रखा है कि उसमें सेकंड ऑर्डर है इसमें थर्ड ऑर्डर है इसमें सेकंड ऑर्डर है बिल्कुल वाकई सेम है इसी डबल कर दिया तो क्या होगा हाफ कर दिया तो क्या होगा तो आइडिया लग जाता है अगर किसी ने एन क्वेश्चन कर रखा हो तो उसका आइडिया होगा ये अब है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन पायरेडी अब देखो पायरेडीन इस क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या थी पायरेडीन का स्ट्रक्चर एंड पायरेडीन का स्ट्रक्चर ये गिवन है एन में ठीक है भले ही ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक है बाकी मैंने ये फिजिकल में इंक्लूड कर दिया क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बट ये ऑर्गेनिक में क्वेश्चन है एंड पायरेडीन का स्ट्रक्चर भी बना रखा है जी वाले चैप्टर में एन में एंड इसीलिए मेरे को पैराडीन का स्ट्रक्चर याद हो क्योंकि लाइक टीचर्स जो तो करवाते बहुत ज़्यादा करवाते हैं पाराडीन वो हद काफ़ी बीस पच्चीस करवाते हैं लेकिन एटलीस्ट वो याद हो आपको जो एन में दे रखे हैं मैंने एटलीस्ट वो तो बिल्कुल कन्फर्म किए थे तो मेरे को देख काम आया ये क्या हुआ अब है एन टू का करेक्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल बताना है तो देखो ये फॉर बी टू सी टू एन एन टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी और वेरियस मोलिकुलर ओरबिटल इज गिवन दिस एन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन रहा है इसमें फ्रेमवर्क है नेक्स्ट है डेल्टा जी इज टू माइनस ऑफ एन एफ इन सेल और डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन देखो डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल है एंड देखो लास्ट लाइन एंड द वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन ये एन थोड़ा वैसे हो रखा है बट अगर आप ढूंढोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिल जाएगा ट्वेल्थ में रीजन इसका ई सेल इंटेंसिव डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इस आई रिमेंबर ई सेल इज इंटेंसिव पैरामीटर एंड डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव थर्मोडाइन प्रॉपर्टी ठीक है क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो आर इज सॉरी एक्सप्लेन कर रहे तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फोर्थ ऑप्शन आ गया नेक्स्ट है एन एम एल एन एम और एल में रिलेशन बताना ना आप देखो मैंने एन सी आर टी पढ़ी थी तो मेरे को बिल्कुल याद था देखो एन एम इक्वल टू टूल्व प्लस वन एंड यहाँ पे भी क्या है एन एम इक्वल टू टूल्व प्लस वन फिर मैंने ये डिराइव कर लिया प्लस वन है उधर तो जाके माइनस वन होगा इज इक्वल टू एन एम माइनस वन टू डिवाइड में चला जाएगा ठीक है ऐसे किया था तो देखो एन से बिल्कुल डायरेक्ट हम कर सकते हैं अगर एन सी तो आर टी सी पढ़ी तो हर क्वेश्चन को टैकल आराम से करेगा अगला क्वेश्चन है एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फ्राम लास्ट देखो अब इसमें क्वेश्चन देखो ये तो थ्री पॉइंट वन टू क्वेश्चन है ना अब इसमें बिल्कुल लगभग सेम है बट इज कॉमन इन दैम क्या कॉमन है दीज आर आइसू इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अब इसमें क्या है आइसू इलेक्ट्रॉनिक की वो बता दी नियरेस्ट स्नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अरेंज इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई हम क्वेश्चन में पूछ लिया इसी से रिलेटेड तो है क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन देखो ये कंपाउंड ए बी है और बी सी सी पी स्ट्रक्चर है ए में वन थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड है ठीक है तो ए एक्स बी वाई बनेगा एक्स प्लस वाई बताना अब देखो वन पॉइंट फाइव एग्जाम्पल है ये एन सी आर टी में क्या है एम और एन है एन सी सी पी स्ट्रक्चर बनाता है एम के एटम वन थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड में है ठीक है तो इसका फॉर्मूला बताना था इस क्वेश्चन में तो हमें फार्मूला हो तो एक्स प्लस वाई कर सकता है अगर किसी को ये वन पॉइंट वन फाइव कर रहा हुआ है सेवनटी फाइव क्वेश्चन उसका ऐसा है नहीं कि अटकेगा वो क्वेश्चन लगेगा बिल्कुल आराम सेवेंटी सेवन क्वेश्चन देखो अब इसमें नोट एट इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इसका मतलब क्या हुआ ऑक्टेट रूल को डिसक्वालीफाई करा आप देखो ए एल सल थ्री हम पहले ए एल सी एल थ्री पर जाएंगे तो ए एल सी एल थ्री देखिए एल सी एल थ्री एंड बी एफ थ्राई इनकम्प्लीट ऑप्टेटेट ऑफ सेंट्रल एटम फिर है एक्सपेंडिड ऑक्टेट में पी एफ फाइव हो गया पी सी एल फाइव हो गया सेफ सिक्स हो गया तो देखो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा गया ए एल सी एल थ्री हो गया पी सी एल फाइव हो बी सी एल टू का आइडिया कैसे लगा मेरे को क्योंकि मेरे को याद था एस ब्लॉक में बी सी एल टू का स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसी जगह लिखा हुआ है कि बी सी एल टू स्प्रीन स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं क्योंकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती इसको मैंने लिंक किया एंड मैं बी सी एल थ्रू मान के थर्ड तीन कराया ठीक है आर्ड्रोजिनस केटोलिस्ट ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसने एन नहीं पढ़ी आई डोंट थिंक उसका आंसर ये सही होगा क्योंकि ये एस थ्योरी का क्वेश्चन है और देखो एन में बिल्कुल एग्जाम्पल दे हुए हैं एंड उसमें सेकेंड ये एक्जाम्पल एक एक है एन एक टू तो प्लस थ्री एस टू गिव ड्रेन एस सी हाइड्रोजनस कैटलिस्ट किसे कहते हैं जिसका कैटलिस्ट है है। है, और रिएक्टेंट अलग अलग फॉर्म में है इसमेंटेंट है नेक्स्ट है अब अभी पीओर वन बाई वी का बिल्कुल देखो डिटोग्राफ ये रहा डिटोग्राफ ये रहा टी थ्री टी टू टी टू वन ये रहा टी थ्री टी टू टी वन ये रहा बिल्कुल आता है, कि है तो देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में एज सच गिवन नहीं है बट आई देखो इसको एक फर्क क्या है ना एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो नीड में आया था एंड एग्जाम्पल में जो निकालना था वो इस क्वेश्चन में गिवन है मतलब रिप्लेस कर दिए कुछ नहीं है फॉर्मूला सेम लगेगा जी स्टार टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस नाइनटी क्वेश्चन है डेल्टा टू डेल्टा डेल्टा एन जी आर टी रिलेशन बताना था फॉर वन मोल ऑफ गैस फॉर आर मोल मतलब वट फ्रैक्शन ऑफ one as सेंट्रल सेंटर्ड octahedral हेड्रल lies लाइज इन वन यूनिट सेल ऑफ the सी सी लोकेटिंग ऑक्टा हेड्रल वर्ड्स लास्ट लाइन क्या है ओनली वन फोर्थ ऑफ ईच वर्ड्स बिलॉन्ग टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल वन फोर्थ kyunki mere क्योंकि मेरे एन पढ़ी थी मेरे को याद थी ऐसा नहीं है कि यार आप एन सी आर टी नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा मतलब आप बिल्कुल इजी रहो बट स्टिल यार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपको एक मतलब वो मिल रहा है ना एक सेटिसफाइबल सोर्स मिल रहा है इससे करूँगा तो मेरा इंटर सिलेक्शन ऐसा नहीं है रुक जाएगा वो मैंने पहले बताया था इनफ इनफ का ही जवाब है ये ठीक है अगला है कि इक्विलिब्रियम को कि वो दे रखे कॉन्सन्ट्रेशन हमें डेल्टा जी निकालनी अब देखो ये क्वेश्चन है सिक्स पॉइंट ट्वेंटी एक्सरसाइज में गिवन है इक्विलिब्रियम क्लियोब्रम दे दिया डेल्टा जी निकाल दिया अब इससे भी अगर किसी को सेटिस्क्रिक्शन नहीं मिलती तो बट देखो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सिक्स पॉइंट वन थ्री एग्जाम्पल गया वन है एंड यहाँ पे देखो हमें ये उससे हार्ड क्वेश्चन है जो नीट में आए उससे हार्ड है ये काफ़ी क्योंकि यहाँ पे के पी निकाल के पी में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है ठीक है ये उसे हार्ड है अगर ये क्वेश्चन वो बंदा ये क्वेश्चन कर सकता है तो वो क्वेश्चन तो वो आराम से कर लेगा है ना उसमें कैसे निकालना, निकालना है इसमें के निकालना है ठीक है सिंपल है नेक्स्ट है प्योम एंड देख प्यूमस्टो का ये मैंने ये तो सबको याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाता है और काफ़ी मतलब देख कुछ कुछ होते हैं जैसे प्योम हो गया ये मैंने रेड पेन से किए हुए हैं ये फोम रबर हो गया सेल्फ लूट्स हो गया बटर बटर और उसमें बहुत मेरे को तो बहुत दिक्कत होती है पता नहीं क्यों बटर और चीज दोनों में ठीक है तो मैं तो ये इनको हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले देख लेते हो तो काफ़ी काम आ जाती है वेल आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू फॉर देट एंड एक अनाउंसमेंट करनी थी कि जैसे मैं आप टेलीग्रामी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो उनको कंसिस्टेंसी मेन्टेन होने में दिक्कत हो रही तो मैंने एक चैलेंज दिया था ऐसे ही कि जो जो घंटे जो जो बंदा एक घंटे आठ घंटे से ज़्यादा पढ़ेगा मेरे को प्रूफ चाहिए मतलब शाम को मैं ऐसा अच्छा स्क्रीन टाइम वगैरह सही करता हूँ उनका काम तो जो जो बंदा आठ घंटे से ज़्यादा पढ़ेगा उनको मैं अपनी वीडियो में वो करूँगा नाम वो कर करूँगा जैसे थोड़े बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार मतलब हमारे साथ कोई है थोड़ा उनसे ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा तो इसीलिए बाकी जो आज जो अब पिछले दो वीक से जो विनर है उनका मैं लिस्ट डाल दूंगा तो क्या उससे पता क्या होगा उनको भी थोड़ी होप मिलती रहेगी कि हाँ उनको मोटिवेशन मिलती है एक टाइप की मोटिवेशन है डोपामिन टाइप पता है कि उनको भी खुशी होगी कि हाँ बाकी अगर आप भी को भी मेनटेन करने में दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो एंड डेली अपना वो कर लिया करो ताकि फिर आप भी नेक्स्ट टाइम विनर बनो तो आपको भी हम भी अपने वीडियो में शामिल करेंगे एंड थैंक्स अब तक तो आपने वीडियो देखी एंड बाय लास्ट में वो आ जाएगा जो जो टॉप मतलब जो जो विनर है उसका डाय